पहनते हैं ये एडवेंचरस कपड़े, कौन पहनते हैं यार? ये तो बिल्कुल भी वियरेबल नहीं है, ये बिल्कुल ही अनवियरेबल है। फैशन के नाम पे कुछ भी दिखा रहे हैं, क्यों आखिर क्यों? ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आते होंगे अगर आप इस टाइप के रनवे शोज़ देखते होंगे। और फैशन में रनवे शोज़ इतना एक्सपेरिमेंटल क्यों होता है, पूरा बड़ा खुलासा होने वाला है। बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट रीज़न बताऊंगी जिससे आप इजीली इस टाइप के शोज़ को रिलेट कर पाओगे। 4 to 5 रीजंस बताऊंगी, जो इसमें सबसे पहला मेन रीज़न है। अलग अलग डिज़ाइनर्स के अलग अलग पर्सनल रीज़न हैं, बट मेनली जो रीज़न बाहर निकल के आता है वो है, फैशन इज़ नॉट ओनली अबाउट लुक प्रिटी। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिज़ाइनर्स और बहुत आम लोग नहीं समझ पाते हैं। डिज़ाइन जो है एक तरीके का आर्ट है, और डिज़ाइनर्स के माइंड में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिविटी होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जब वो आर्ट क्रिएट करते हैं, जब वो इमेजिनेट करते हैं, खुद का एक मूड सेट करते हैं, तो कुछ यूनिक, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल, जो अनवेरेबल होता है, वो निकल के आता है। उसको प्रेजेंट करने के लिए रनवे शोज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्रिएटिविटी को, अपने आर्टिस्टिक इमेज को प्रेजेंट करने के लिए इस टाइप के रनवे शोज़ में ड्रेसेस बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, जो बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में लोग, बहुत सारे लोग उनको देखने भी आते हैं। क्या ये डिज़ाइंस परचेस होता भी है मार्केट में, स्टोर में? उसका भी रीज़न चलिए देखते हैं। डिज़ाइनर्स को, चाहे इंडियन हो चाहे अदर कंट्री के हो, उनको पता है कि उनका जो मेन एम है अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, वो भी डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे में। उनका मोटिव क्लियर है कि उनका जो ड्रेस है, उनका जो अनवेरेबल ड्रेस है, वो कोई नहीं पहनने वाला है। एक बार सोचो जरा कि अगर कोई रनवे शोज़ है अदर कंट्री का, इंडिया का, कोई भी कंट्री का, अगर वो सिंपल सिंपल ड्रेसेस पहने, मॉडल्स रियल नॉर्मल जो स्टोर में इजीली मिल जाता है, उस टाइप के अगर शोज़ पहने के, तो क्या उतना अटेंशन ग्रैब पब्लिक को होगा, मीडिया को होगा, रिटेलर्स को होगा? नहीं होगा। उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है खुद को यूनिक दिखाने के लिए, अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस टाइप के शोज़ होते हैं। अनवेरेबल गारमेंट भी इंक्लूड होते हैं। बातों ही बातों में मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि इस टाइप के ड्रेस को भी नाम दिया गया है, इसको आवंट गार्दे कहते हैं। ये फ्रेंच टर्म है जिसका मीनिंग है एक्सपेरिमेंटल क्लोथ्स। इसलिए इस टाइप के गारमेंट को आवंट गार्दे और एक्सपेरिमेंट अनवेरेबल गारमेंट बोला जाता है। डिज़ाइनर्स को पता है कि उनका कोर कस्टमर कौन है। इस टाइप के शोज़ में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पब्लिक, बहुत सारे मीडिया कवरेज, बहुत सारे रिटेलर, बहुत सारे इन्वेस्टर भी आते हैं। उनको इंस्पायर करने के लिए, उनका अटेंशन लेने के लिए, एक इंटरटेनमेंट देने के लिए और शो को यूनिक बनाने के लिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। डिज़ाइनर्स का मेन एम होता है सबको खुद की ओर अट्रैक्ट करना, और उनके एक सिंगल गारमेंट और जितनी भी क्रिएटिविटी है उनको फुल्ली फोकस करना। क्या लगता है रनवे शोज़ के जो कलेक्शन होते हैं, क्या मेनली डिज़ाइनर्स के स्टोर में जाते हैं और वो बिकते भी हैं? क्या ये पॉसिबल है? सच बताऊं, यस। कैसे? क्योंकि जो डिज़ाइनर जो सेम चीज़ को बनाता है उसका बहुत सारा वेरिएशन होता है। उनका मेन मोटिव होता है अपने ब्रांड को अवेयर करना। आम जनता को पता चलता है कि ये एक डिज़ाइनर है जो इस टाइप के ड्रेसेस बनाता है। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों को पसंद आए, उनके स्टोर में जाके सेम चीज़ तो नहीं जो रनवे शोज़ में सेम पैटर्न पे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ तो स्टोर में आपको मिलेगा सिर्फ देखने के लिए, लेकिन बिकेगा क्या, सेल क्या होगा? जस्ट लाइक कोई भी शी टॉप है जो मॉडल्स ने रैम वॉक के टाइम पहना है, लेकिन अगर किसी सेम चीज़ को, सेम मटेरियल को, सेम डिज़ाइन को कोई ऐसा कस्टमर क्लाइंट चाहता है,
तो डिज़ाइनर्स उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देता है। अगर वो शीर ट्रांसपेरेंट कपड़ा कहीं भी यूज़ हुआ है, उसको कहीं स्लीव में यूज़ कर देते हैं, कहीं किसी बॉटम पे यूज़ कर देते हैं, या कहीं सरफेस पे यूज़ किया जाता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्ट देके अपने गारमेंट को डिज़ाइनर्स ईजिली सेल कर लेता है। शो अप के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, लोगों को पता चले, लोगों का अटेंशन के लिए, सिर्फ इतने सारे चीज़ों के लिए, एक शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। मिनिमम आपको $40,000 पे करने पड़ते हैं इस टाइप के रनवे शोज़ की। ये मैं इंडिया एंड इंडिया के बाद की बातें कर रही हूँ। ये एक मिनिमम अमाउंट है इस टाइप के शोज़ का, एक मिनिमम खर्चा है यार। इतने सारे पैसे लगते हैं सिर्फ किस लिए? व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ शो अप। यस, ये पूरा रीजन शो अप अटेंशन का ही है, अपने सीजनल कलेक्शन को प्रेजेंट करने का ही है। इतना एफर्ट इसीलिए देते हैं ताकि ब्रांड के बारे में लोगों को पता हो, वो जाएं खरीदें और इस पर अटेंशन दें। पॉइंट ये भी आता है कि हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स भी क्या ये सेम चीज़ करते हैं। इसका बहुत बड़ा टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना, इंडियन डिज़ाइनर्स करते हैं या नहीं ये चीज़ें, प्लीज़ कमेंट में लिखना। अगर आपको ज़रा सा भी इसके बारे में नॉलेज है प्लीज़ बताना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग।